हेलो एवरीवन, वेलकम टू crickettipper.org। आज का मैच कौन जीतेगा? चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस। आईपीएल का मैच है, एमएच चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा चेन्नई में। टॉस, टीम स्कोर, ड्रीम इलेवन, सारी चीजें बताऊंगा, आखिरी तक देखना वीडियो। देखिए, आज जो मैच है वो चेन्नई वर्सेस गुजरात के बीच में है, मैच नंबर 7। हम डेली आपके लिए प्रेडिक्शन ला रहे हैं और crickettipper.org पर भी आपको क्रिकेट की प्रेडिक्शन मिल जाएगी। अगर कहीं कहीं ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं कि हमको अपडेट नहीं आया है, तो आप उसको रिफ्रेश करोगे या गूगल पर जाना, crickettipper.org, उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगी। ये है प्लेइंग 11, हमारी साइड से हमने जो प्लेइंग 11 बनाई है वो ये है। आज के मैच में बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, रिकॉर्ड भी बताऊंगा, बिना रिकॉर्ड के मैं बात नहीं करता, आप लोग जानते हैं अच्छे से। चलिए टॉप 5 पिकअप करते हैं पहले की तरह। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद इस मैच में मैं धोनी को पिकअप करूंगा और बॉलर के तौर पर महेश तीक्ष्णा और मुस्तफिजुर रहमान इस बार भी खेलेंगे, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। चलिए बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। तो इसमें टॉप प्लेयर मैं आपको बताता हूँ, शुभमन गिल, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान और फास्ट बॉलर मोहित शर्मा। एक्सपीरियंस्ड है, अगर देखा जाए ओवरऑल तो बॉलिंग लाइनअप गुजरात की अच्छी है। राशिद खान के आने से बहुत फायदा मिलता है और स्लो पीछे चलने की, यहां पर दोनों के कंपैरिजन से फायदा है गुजरात को। चलिए बात करते हैं, गुजरात की नई टीम है, दोनों ने आपस में सिर्फ 5 मैचेस खेले जिसमें से 3 जीती है गुजरात। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है गुजरात का चेन्नई के अगेंस्ट और हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है गुजरात ने 214 का और लोवेस्ट स्कोर इनका 157, बहुत कम है। वही एवरेज स्कोर है 178 का चेन्नई का गुजरात के खिलाफ। यहां पर भी गुजरात का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं पिच की। एवरेज स्कोर जो बताया है 168 बिल्कुल सही है। धीरे धीरे ये पिच जब गेम चलता रहता है इसके ऊपर तो स्लो हो जाती है ये पिच। बैटिंग पिच बोल रहे हैं पर ऑलमोस्ट हम मानेंगे इसको बॉलिंग पिच, रिकॉर्ड के आधार पर इसको बॉलिंग पिच मानी जाएगी। कल के मैच में भी बहुत बताया था लोगों ने कि 200 बनेंगे, 300 बनेंगे, पर आपने देखा कितने बने। कल का भी सेमी जैकपॉट मैच रहा है, दोनों टीमें आपको फेवरेट मिली है 60 पैसे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए बात करते हैं ग्राउंड की। तो 86 मैचेस खेले गए हैं चेन्नई में, जिसमें से जिसने पहले बैटिंग करी है वो 37 जीता है, जिसने बाद में बैटिंग करी है वो 47 जीता है। मतलब टॉस जीतकर यहां पर पहले बॉलिंग चूज करना चाहिए अगर किसी हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो। हाईएस्ट टीम का टोटल बना है 263 बना है, लोवेस्ट 82 रहा है। उसके बाद एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 166 है, मतलब 170-180 का स्कोर बहुत ही अच्छा माना जाएगा इस ग्राउंड पे। और हाईएस्ट टोटल जो चेज हुआ है 213। देखने वाली बात होगी कि ये रेड सॉइल पे या ब्लैक सॉइल पे किस पर ये मैच होगा। चलिए बात करते हैं, हम पिकअप करते हैं टॉप 4 प्लेयर्स, जिसमें से 2 गुजरात के, 2 चेन्नई के बैट्समैन। डेवन कन्वे चेन्नई में, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई में, शुभमन गिल और रिद्धिमान साह। रिद्धिमान साह को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका एवरेज भी अच्छा है, 239 रन बनाए हैं। बॉलर्स की बात करें तो मोहित शर्मा, राशिद खान टॉप क्लास के बॉलर्स हैं, दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं हेड टू हेड 5 मैचेस खेले दोनों ने आपस में, कौन सी टीम कितने जीती है पिछले 5 मैच में। तो देखा जाए तो 203 कंटिन्यू जीती थी यहां पर गुजरात, उसके बाद 2 कंटिन्यू जीती है चेन्नई, मतलब पिछले 2 लास्ट मैचेस चेन्नई जीता है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, आज जीतेगा तो 3-3 की बराबरी हो जाएगी। प्लेइंग 11, ड्रीम 11, जो भी आपको बोलना है इसको मान सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। ये सेकेंड टीम जो आपको मैं दे रहा हूं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बता दिए हैं। अब बात करते हैं यहां पर crickettipper.org क्या है। crickettipper.org कैसी वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री में मैच के प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं, हर मैच की। गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है crickettipper.org, यहां पर आईपीएल 2024 प्रेडिक्शन मिल जाएगा, यहां पर फ्री में मैचेस की प्रेडिक्शन की जानकारी मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं टॉस कौन जीतेगा। टॉस का प्रेडिक्शन आज के मैच का जाता है दोस्तों चेन्नई के साथ में। आज के मैच को टॉस जो है वो चेन्नई जीतना चाहेगी और बिल्कुल जीतने की कोशिश करेगी। और बात करते हैं स्कोर कितना बनेगा। तो चेन्नई अगर पहले बैटिंग करता है तो 173-174 के आसपास का लंबा रहेगा और गुजरात अगर पहले बैटिंग करता है तो 171-172। ये पहले बैटिंग की बात कर रहा हूं मैं,
चेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गुजरात ने 171 बनाए या 2 बनाए तो वो डिफेंड भी कर सकती है, या चेन्नई ने 173-174 बनाए तो वो भी डिफेंड कर सकती है। तो ये मत समझना कि ये डिफेंड का स्कोर है, ये सिर्फ फर्स्ट बैटिंग का स्कोर है। चलिए बात करते हैं टीम कौन जीतेगी। तो टीम का प्रेडिक्शन दोस्तों आपको मिलेगा जाकर crickettipper.org पर। आज के मैच का प्रेडिक्शन मैं यहाँ नहीं दूंगा, कल के मैच का प्रेडिक्शन आपको YouTube के चैनल पर मिलेगा, आज के मैच का प्रेडिक्शन मिलेगा आपको crickettipper.org। IPL प्रेडिक्शन आप डालोगे तो वहां पर मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, क्योंकि ये है नंबर 1 क्रिकेट प्रेडिक्शन चैनल।